समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है, वो सपने देखने से कहीं कोई किसी को कोई रोक नहीं सकता है। पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ कहाँ उससे, दिस इज नॉट द इश्यू। कई बार उनका जन्मदिन मनाते हैं, आज भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन कुछ नेता कार्यकर्ता वो मना रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, इससे पहले सपा समर्थकों ने अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताना शुरू कर दिया है। दरअसल लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर्स चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। अब लखनऊ में सपा की तरफ से लगाए गए इन पोस्टर्स ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा द्वारा लगाए गए पोस्टर्स पर कटाक्ष करते हुए इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है, वो सपने देखने से कहीं कोई किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन क्षमता अपने सपने जो है अपने क्षमताओं के अनुसार देखने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और आज देश की जनता को हमारी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में तीसरी बार देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे। इस पोस्टर विवाद पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ कहाँ उससे, कौन क्या है, सब लोग की इच्छा होती है सबका पार्टी का, उससे दिस इज नॉट द इश्यू। ये कोई इश्यू नहीं है। अब हम ही को बना देगा, कृष्ण अर्जुन बना देता है, कोई क्या बना देता है, इसका कोई मतलब है क्या? तेजस्वी यादव के हाव भाव देखकर समझ आ रहा है कि वो इस पोस्टर विवाद पर कुछ खास कहना नहीं चाहते। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इस पोस्टर पर बात करते हुए बताया कि भले ही उनका जन्मदिन 1 जुलाई को होता हो, लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ऐसे ही उनका जन्मदिन मनाते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन वो 1 जुलाई को होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति प्यार और सम्मान जताते हुए कई बार उनका जन्मदिन मनाते हैं, आज भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन कुछ नेता कार्यकर्ता वो मना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति कार्यकर्ताओं का प्यार और सम्मान है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो इस देश की जनता की सेवा के लिए लगातार काम करते रहे, ऐसी कामना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कर रहे हैं। बता दें कि सपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, लेकिन पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और सपा के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर दिखाई दिया, उसने इंडिया गठबंधन में दरार को दर्शाया है।